ना स्टिकर निकलना स्टार्ट हो गया है, और बस अब उसको ऐसे निकाल दिया। पास में ही तो जाना है, ये इतना बटन के जाने की क्या जरूरत है। दुष्ट है ना दोनों के दोनों बाप बेटे। चेंज उत्कर्ष के पापा ने बनाया, क्या बनाया चिनू? ये बनाया चीज ऑमलेट, चीज ऑमलेट यशवंत, चीज ऑमलेट संडे के दिन, बहुत ही उम्दा, दिखने में तो अच्छा लग रहा है। बाकी आप खा के अपनी प्रतिक्रिया दीजिए रावत जी। हाँ खा के बताइए रावत जी कैसे बनाए, अपने पापा की तारीफ कीजिए, क्योंकि हमारी तो आप कभी करते नहीं हो। हाउ दैट बोलो ना पापा के डर से पापा इतने बने ऐसे ही होता है, जब हम मदर्स बनाते हैं तो कोई तारीफ करने वाला नहीं होता, और जब पापा बनाते हैं तो इमीडिएटली इंस्टेंट निकला है पापा अच्छा बना है। देखो एडिट के बाद इधर से लिखना, इधर इसको नीचे लिख, हां और इधर। मैं आ गई हूँ बाहर, बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करना ठीक नहीं है। जैसे ही मैं व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दूँ ना तो वो लोग फिर पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ देते हैं, तो इट्स बेटर कि उनको पढ़ने दिया जाए। बच चुके हैं आज, ओ 12:30 होने वाला है, आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया। अब मैं बनाऊँगी सीधा लंच की तैयारी करूँगी, कुछ नहीं बनाऊँगी, सिंपल से राइस डाल दूँगी और येलो और वो जो होती ना मलका और अरहर की दाल वो डाल दूँगी बस। तो चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो जब मैं बहुत जल्दी नहीं होती ना उस टाइम मैं दाल कैसे बनाती हूँ ना, मैंने ये दाल को जैसे भिगो के रखा है, बस कुछ नहीं करना है। अब मैं ये टमाटर लूँगी लो, और इन टमाटर को काट लूँगी छोटे छोटे टुकड़े। इसमें ऐड करूँगी मैं नमक, जो भी मसाले आप डालते हैं वो सब, हल्दी, लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, बस जितना पानी आपको ऐड करना है आप उतना पानी इसमें ऐड कर सकते हो, इतना पानी इज सफिशेंट। यहाँ मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा सरसों का तेल, जिस तेल में आप खाना बनाते हैं वो, उससे क्या होता है जो भी मसाले आपने इसमें डाले हैं वो ऊपर नहीं आते हैं, मतलब जब आप विसल लगाएंगे ना तो मसाले बाहर नहीं आते हैं। तो बस ये मैंने डाला, और बस अब मैं कुछ नहीं करूँगी, इसमें मैं विसल लगा दूँगी, जब 2-3 विसल इसमें आ जाएगी फिर मैं इसमें ऊपर से तड़का लगा दूँगी। राइस भी मैं कुकर में ही बनाऊँगी आज, वैसे तो मैं मोस्टली क्या होता है राइस को कुकर में ही बनाती हूँ। दाल और राइस बनते हैं तब तक मैं कर लेती हूँ रायते का इंतज़ाम। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है दही, इसमें मैं ऐड करूँगी बूंदी ऐड करूँगी, मतलब मैं सिंपल बूंदी वाला रायता बना रही हूँ। वैसे तो मुझे वो वाला रायता पसंद है जिसमें वो खीरे, गाजर, प्याज, टमाटर को छोटे छोटे पीसेस करके काट लेते हैं ना, बट फिर बच्चे मेरे क्या करते हैं वो सिर्फ या तो वो उसमें से टमाटर निकालते रहेंगे या प्याज निकालते रहेंगे, तो मुझे उनका सोच के भी बनाना पड़ता है समटाइम्स। तो यहाँ मैं आज बना रही हूँ सिंपल बूंदी का रायता, इसमें मैं डालूँगी ब्लैक सॉल्ट, मेरे पास आज जीरा पाउडर नहीं है तो आप जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है उसमें भी। थोड़ा सा और ऐड करूँगी, हरी मिर्ची भी नहीं डाल सकते इसमें क्योंकि फिर बच्चे खाएंगे नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा सा ऐड करेंगे धनिया, और दैट्स इट। तो आपका रायता भी तैयार है, इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी, जब खाने बैठेंगे तो इसे निकाल लूँगी। वेलकम बैक। तो कल ना मैं मार्केट गई थी, तो मार्केट से ना मैं 2 स्टील के बर्तन लेकर आई। मैं एक्चुअली पता है क्या कर रही हूँ कि धीरे धीरे अपनी किचन से ना जितने भी मेरे पास एल्यूमिनियम के बर्तन थे ना, मेरी शादी के बर्तन थे, तो उस टाइम पे ना एल्यूमिनियम
पहले तो बहुत ज़्यादा चलता था, लोग घरों में एल्यूमिनियम पे ही खाना बनाते थे, आज भी बनाते हैं। बट मैंने कहीं पढ़ा था और सुना भी था कि एल्यूमिनियम इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। तो मैंने अब धीरे धीरे क्या करना शुरू कर दिया, एल्यूमिनियम के बर्तनों को ना मैं डिस्कार्ड करना शुरू कर देती हूँ। तो जैसे जैसे मैं जो जो बर्तन एल्यूमिनियम का हटाती जा रही हूँ, उसके बदले में उसका रिप्लेसमेंट स्टील का बर्तन लेकर आ रही हूँ। तो कल जैसे पहले मैंने एल्यूमिनियम की कढ़ाई ली, एल्यूमिनियम का मैंने एक सॉस पैन लिया था, ऐसे ऐसे करके मैं छोटी छोटी चीज़ें मैं लेती जा रही हूँ। एक साथ तो मैं सारे एल्यूमिनियम के बर्तन को हटा के सारा स्टील नहीं खरीद सकती, क्योंकि स्टील भी कोई कम महंगा तो है नहीं, अच्छा खासा है। और स्टील के बर्तनों में खाना बनाना अपने आप में एक टास्क है, क्योंकि खाना बहुत जल्दी जल जाता है। तो उसके लिए ना वो जो ट्रिपल लेयर वाली होती है ना, ट्रिपल लेयर प्रोटेक्शन वाली जो स्टील का वो होता है, वो मैंने खरीदा हुआ है। मैंने एक कढ़ाई भी खरीदी थी उसकी, प्रेस्टीज की, ऑनलाइन मुझे मिलेगा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिसमें मैं, आपने जनरली मेरे को देखा है जिस बर्तन पे मैं खाना बना रही होती हूँ। तो इसी तरीके से ना मैंने कल स्टील का बर्तन लिया। अच्छा, स्टील का बर्तन लेने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि उसमें जो स्टिकर लगे होते हैं ना, वो स्टिकर रिमूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। या तो हम उसको हाथ से खरीदते हैं तो हाथ से निकल जाता है, कहीं पे निकलता है कहीं पे नहीं निकलता है, और फिर अगर निकल भी जाए तो उसका जो ग्लू होता है ना, वो ग्लू उसी में रह जाता है, फिर उसमें धीरे धीरे डर्ट जमा होनी शुरू हो जाती है और फिर वो बर्तन बहुत गंदा होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने स्टील के बर्तन से स्टिकर्स को कैसे रिमूव करती हूँ। तो चले कि चलिए कि यहाँ पे मेरे पास ये वाला बर्तन मैंने लिया है, ये मैंने कल ही ख़रीदा था। तो ये एक डोलची है, ठीक है, इसका मैंने स्टिकर इस तरीके से रिमूव करके आपको दिखाया हुआ, और ये स्टिकर बहुत ही टाइट स्टिकर है, इसका ग्लू बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक तरीके का स्टिकर मैंने समहाउ किसी तरीके से निकाल दिया, बट उसका ग्लू जो है वो अभी भी इसमें बाकी है। तो इसी ग्लू पे क्या होता है, जब ये ग्लू निकलता नहीं ना, आप इसको जितना भी करो, चम्मच से खुरचो, चाकू से खुरचो, कुछ भी करो, ये नहीं निकलता। फिर इसमें धीरे धीरे क्या होता है, डर्ट जमा होनी शुरू हो जाती है और फिर आपका बर्तन ख़राब हो जाता है। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं कैसे नए बर्तन से स्टिकर को रिमूव करती हूँ। तो स्टिकर निकालने के लिए सबसे पहले मैं ना इस बर्तन को गर्म करूँगी, ठीक है। यहाँ मैंने रख लिया है बर्तन, इसको मैं ऑन कर दूँगी गैस। इन द मेन टाइम मैं रेडी रखूँगी एक चिमटा, नाइफ, वन स्पून, और आपको चाहिए होगा थोड़ा सा नारियल तेल, ठीक है। एक टिश्यू की भी ज़रूरत होगी तो रखिएगा, और साथ में कपड़ा भी रखिएगा यार, तुमसे हाथ से मत पकड़ लेना, हाथ जल जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी आप देख रहे हो धीरे धीरे स्टिकर निकलना स्टार्ट हो रहा है, आपको दिख रहा है। आँच थोड़ी सी कम कर लो आप। देखा आपने, निकल गया स्टिकर आराम से। अब मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको, ये भी स्टिकर बहुत आराम से निकल गया, ठीक है। एक ये छोटा सा स्टिकर, बस अब गैस आप बंद कर दो, इतनी ज़रूरत है हमें। गरम कपड़े से उसको आप पकड़ो और ये जो छोटा सा स्टिकर है ना, इसको भी रिमूव करने की कोशिश करो। ये भी निकल गया ना आराम से, ठीक है। स्टिकर तो रिमूव हो गया, लेकिन अब इस जगह पे ना जो ग्लू है ना स्टिकर का, वो अभी भी एज इट इज़ है। तो अब हम उस ग्लू को निकालेंगे। तो यहाँ मेरा बर्तन अभी गर्म है, ठंडे हाथ से मत पकड़ना, मैं फिर बता रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आपको लेना है स्पून में नारियल तेल, और जिस जगह पे ग्लू लगा हुआ है उस जगह पे आपको स्प्रेड कर देना है। टिश्यू लिया, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। टिश्यू लिया और बस अब इसको ऐसे निकाल दिया, थोड़ा सा रब किया, अगर जो गम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिस पोर्शन में मैंने रब किया था ना, उस पोर्शन से सारा गम निकल चुका है। तो देखा ना आपने, कितनी आसानी से निकल गया। हल्का सा आपने बस उसको कुछ नहीं करना है, गरम करना है, उसमें नारियल तेल लगा के बस उसको हल्का सा रब कर देना, दैट्स इट। तो बहुत ही ईजिली निकल जाता है, आपका बर्तन भी ख़राब नहीं होता और वो जो स्टिकर जो बहुत गंदा सा दिखता है ना, वो भी हट जाता है। तो कभी भी कोई नया बर्तन लाओ तो ये वाला ट्रिक ज़रूर ट्राई करना। सो गाइस, बहुत दिनों बाद मुझे खाना बनाने से मुक्ति मिली।
आज हम जाएंगे बाहर खाने के लिए, मैं, उत्कर्ष और उसके पापा। उत्सव नहीं जाएगा बिकॉज उत्सव तो वैसे ही खाना वाना कुछ नहीं खाता है, तो उसको लेके जाने का कोई फायदा ही नहीं है। तो हम तीनों जाएंगे और इट्स सच अ बिग रिलीफ, मतलब इतना रिलीफ फील कर रही हूँ ना मैं, कैन यू इमेजिन, मुक्ति मिल गई ना मुझे खाना बनाने से। तो चलो फिर अब फटाफट हम लोग खाना वाना खाते हैं। और यहाँ मैंने पहन लिया अपना और यहाँ मैंने अपना पहन लिया है वही कफ्तान कुर्ती सेट, बस कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ लिपस्टिक और काजल लगाया, दैट्स इट, आई एम रेडी टू गो। मुझे नहीं पता लड़कियाँ इतना मेकअप क्यों करती है। और मैंने कुछ भी मेकअप नहीं किया है, मैंने सिर्फ लिपस्टिक लगाई है और काजल लगाया और कुछ भी नहीं, बिकॉज यही पास में ही जाना है, कोई ऐसा कोई बहुत दूर जाना है। वो हमेशा कहती है कि बच्चे ज्यादा जो लड़के लोग होते हैं ना वो ज्यादा लड़कियों से सुंदर दिखते हैं, क्योंकि वो बिना फेशियल पैक लगाए फेशियल पैक लगाए सबसे सुंदर दिखते हैं। अच्छा, और लड़कियां मेकअप करके सुंदर लगती हैं, लड़कियों को तो छोटियां मोटियां बनानी पड़ती है। चलो गाइस, तो हम निकलते हैं डिनर के लिए, अगर वहाँ पे कुछ मैं व्लॉग कर पाई तो कर पाई, अदरवाइज थोड़ा सा मुझे बाहर ना मतलब ऐसी जगह पे व्लॉग करना थोड़ा सा अभी ऑड लगता है, तो अगर मैं कुछ कर पाई शूट तो करूंगी, अदरवाइज एकदम बढ़िया। तो यहाँ मेरा आउटफिट चेंज करा दिया गया है, बोला है कि वह ओवर हो गया है। कैसे पास में ही तो जाना है, ये इतना बटन के जाने की क्या जरूरत है, ये दोनों बाप बेटे एक जैसे, ये भी अभी वीडियो में बोल रहा था अच्छा लग रहा है, लुकिंग नाइस, बाद में कह रहा था मम्मी नहीं ओवर लग रहा है ये, यहीं पास में तो जाना है, और सेम वही उसके पापा की बातें, पापा देख लो क्या। तो फाइनली अब मैंने ये प्लान लिया बिल्कुल कैजुअल सा, कहते यहीं तो जाना है पास में, कैजुअल सा और ये बना दिया और वो चेंज करा दिया। ये दोनों तो दुष्ट है ना, दोनों के दोनों बाप बेटे, ये भी मेरा शूट कर रहा है और ये पापा ही कर रहे हैं, मेरे कपड़े चेंज करा दिए, दो बार कपड़े चेंज कराए थे गर्मी में। Wow, very great. तेरे एक्सप्रेशन नोट कर। चटनी से ही काम चला लो, इसके अलावा कुछ नहीं। प्याज का और चटनी का बुक्कड़। उत्कर्ष सिंह खाना बाद में खाता है, पहले चटनी और प्याज खाता है। तू घर में तो प्याज खाता नहीं है? यहाँ की प्याज तो बहुत ही टेस्टी होती है। प्याज भी खाएंगे भाई साहब फोक से, टशन पूरे हैं, टशन 91 उत्कर्ष के।